वेलकम बैक फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चार डिफरेंट टाइप्स के हेल्दी डो की रेसिपी, जिससे कि आप चाहे तो पूड़ियाँ बना लो, पराठे बना लो, या फिर बच्चों के लिए सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां ही बना लो। और ये जो डो हम बनाने जा रहे हैं, इसको हम पानी से नहीं बल्कि डिफरेंट अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ बनाएंगे, जो कि बच्चे के खाने को बहुत ही हेल्दी बना देती है। बहुत सारे पेरेंट्स का कंप्लेन आता है कि हमारा बच्चा साथ में सब्जी नहीं खाता, प्रोटीन कैसे दे बच्चों को, रिच प्रोटीन डाइट। तो इन डो के थ्रू जो आप रोटियां, पराठे और पूड़ियां बनाओगे, वो काफ़ी हेल्दी और न्यूट्रिशियस रहेंगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। तो ये सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक एवोकाडो लिया है, बीज और छिलका उसका हटा लेंगे और इसमें हम आटा डालेंगे। एक एवोकाडो में लगभग आधे कप से तीन चौथाई कप आटा लग जाता है और उतने में आपका अच्छे से डो बन जाएगा। और अगर आपको कम लगे, ज़्यादा लगे, तो आप थोड़ा पानी डाल सकते हैं या थोड़ा आटा डाल सकते हैं, एज़ यू लाइक। और एवोकाडो अब जो है वो इंडिया में भी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ बहुत ही आसानी से मिलने लगा है, ख़ास करके बैंगलोर, दिल्ली या फिर मुंबई वगैरह में। सो, एक तरीका ये हो गया। एवोकाडो बहुत ही रिच सोर्स है ओमेगा 3 फैटी एसिड का, जो कि बच्चों के बढ़ते दिमाग के लिए बहुत ही अच्छा होता है। कई बच्चे एवोकाडो सैलड या फिर एवोकाडो शेक नहीं पीते हैं, तो आप इस तरह से रोटी या पराठों में बना के दे सकते हो। अभी दूसरी चीज़ है, ये घर पे मैंने पनीर बना लिया है। सिंपल दूध को बॉयल करिए, उबलते हुए दूध में थोड़ा नींबू का रस डालिए और इस तरीके से आपको कोगुलेटेड मिल्क या फिर पनीर, जिसको बोलते हैं छेना बोलते हैं, वो मिल जाएगा। डो बनाने के लिए मार्केट वाली पनीर नहीं चलेगी क्योंकि वो बहुत ही हार्ड होती है, तो आपको घर पे ही इस तरह से पनीर बनाना होगा। और उसमें आप अंदाजे से आटा डाल लीजिए ताकि एक अच्छा सा डो बन जाए ये इस तरीके से। और इससे भी जो रोटी या फिर पूड़ियाँ या पराठे जो बनते हैं बहुत सॉफ्ट रहते हैं, ठंडे होने के बाद भी सॉफ्ट रहते हैं, और जो प्रोटीन है, कैल्शियम है, उसके गुण तो मिलेंगे ही मिलेंगे बच्चे को। चलिए, तो अब ये यहाँ पे मैंने वेजिटेबल दाल ले ली है। कई बार दोपहर को दाल बनाते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा बना दीजिए, या फिर कभी ऐसे ही एक्स्ट्रा बच जाती है तो उस कंडीशन में भी आप शाम का जब आटा डो लगाते हैं, आटा गूंथते हैं, तो वो जो दाल है उसमें आप आटा को डो करें। इससे भी रोटियां सॉफ्ट बनती हैं, स्वादिष्ट लगती हैं बच्चों को खाने में, और जो दाल के न्यूट्रिशियस तत्व हैं वो भी बच्चे को इनडायरेक्टली मिल जाते हैं। तो भाई, इन सारे न्यूट्रिशन हैक्स से ना हम मम्मियों को तो बड़ी ही आसानी हो जाती है, मतलब बच्चों को न्यूट्रिशियस और टेस्टी खाना बना के देने के लिए। और देखिए, कई बार क्या होता है कि बच्चे वेजिटेबल या दाल ऊपर से नहीं खा रहे, तो उस कंडीशन में भी आप इस तरीके से जब आटे का डो लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से उन सारे पोषक तत्व बच्चे को मिल जाएंगे सिर्फ एक या दो रोटी खा के। अब ये चौथा जो आटा है वो मैं टोफू से डो बनाने वाली हूँ। ये यहाँ पे मैंने फर्म टोफू लिया हुआ है क्योंकि फ़िलहाल मेरे पास एक्स्ट्रा सॉफ्ट या फिर सॉफ्ट टोफू नहीं था, बट आटे का डो लगाने के लिए मोस्टली सॉफ्ट या फिर एक्स्ट्रा सॉफ्ट टोफू जो आते हैं, अगर वो लेंगे तो वो ज़्यादा स्मूथ होता है। पता भी नहीं चलेगा कि आटे को आपने टोफू से डो लगाया, इस तरह से वो मिक्स हो जाता है। बट एक्स्ट्रा फर्म टोफू मोस्टली मैं वेजिटेबल्स या फिर टोफू फ्राई वगैरह बनाने के लिए यूज़ करती हूँ, तो फिलहाल मेरे फ्रिज में यही है। तो इसका पानी थोड़ा सा इस तरह से निचोड़ के निकाल लेंगे और आटे में डालेंगे, और सिमिलरली जैसे हमने पनीर का डो बनाया था उसी तरीके से इसका डो बना लेंगे। ओके, एक चीज़ और यहाँ पे बता दूँ, टोफू में एक अलग सा टेस्ट होता है, तो कई बच्चों को हो सकता है ये पसंद ना आए, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो कि टोफू को थोड़ा सा इस तरह से स्क्रम्बल करके और उसके बाद उसमें थोड़ा दही डाल दें या फिर दही का पानी डाल दें थोड़ा सा, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। इससे जो टोफू का एक अलग सा टेस्ट होता है वो टेस्ट नहीं रहेगा, और उसके बाद आप आटा डो करें उससे। तो ये देखिए, आप इसमें जो थोड़े दानेदार चीज़ें देख रहे हो वो टोफू है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा फर्म टोफू लिया है, तो इस वजह से वो थोड़े थोड़े दाने हैं, दिख रहे हैं आपको उसमें। तो ये चारों हमारे न्यूट्रिशियस डो बनके रेडी हैं। अब आप इससे रोटी बना लो, पराठा बना लो, पूड़ियाँ बना लो, स्टफ्ड पराठे बना लो, जो भी बनाना है आपको भाई, आप अपने बच्चे के पसंद के हिसाब से बना लो। रोटियाँ बहुत सॉफ्ट बनेंगी और न्यूट्रिशियस एंड हेल्दी तो रहेंगी ही। अच्छा, इन डोज से बनाए गए पराठों या फिर पूड़ियों का एक और फ़ायदा ये है कि जैसे हम लंच में जब रोटी, पराठे ये सब बना के बच्चों को देते हैं तो वो ठंडे होने के बाद थोड़ी हार्ड हो जाती हैं, बट इन डोज से जब आप रोटी, पराठे जो भी बनाओगे तो ठंडी होने के बाद भी रोटियां, पराठे बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलें।